तो हेलो एवरीवन, आई एम मोहन मंसूर रहमान और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली आप लोगों को दिखाने वाले कि एक रैंडम डे हम लोग का लर्निंग एंड में कैसा रहता है, वहाँ पे सिस्टम कैसे काम करता है, टीचर्स एंड अदर थिंग्स कैसे फंक्शन करता है, डाउट सॉल्विंग वगैरह, सेल्फ स्टडी भी आवर्स है वहाँ पे। एंड अगर आप सबको अच्छा लगता है तो आप लोग सबको ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग एंड में आके पढ़ सकते हैं, आपका जो ड्रीम है जेई या फिर नीट का वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस शॉर्ट एक वीडियो में हम आप सबको दिखाने वाले कि कैसे चीज़ें होता है लर्निंग एंड में यूजुअली। तो लेट्स गेट इन द वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 9:30 बज रहा है और हमको आज लर्निंग एंड जाना है। आज कोई क्लास तो नहीं है एज सच, बस सेल्फ स्टडी के लिए जाना है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं रेडी हो गया हूँ और ब्रेकफास्ट करना बाकी है, बस ब्रेकफास्ट करूँगा और बस निकलूँगा। तो जुड़े रहे। तो हम निकल चुके हैं और अभी बज रहा है 9:45। जा रहे लर्निंग एंड एपी सेंटर देवलियन में, बस लेके जाएंगे तो बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। यहीं है देवलियन बस स्टॉप और यहीं है लर्निंग एंड का एपी सेंटर, एकदम बस स्टैंड पे ही, बस स्टैंड के पीछे लाल वाला बिल्डिंग। तो हम पहुंच गए लर्निंग एंड और यहाँ पे सिक्योरिटी डेस्क है। फिर हम लोग जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, यहाँ पे हम लोग को स्कैन करके फिर ही अंदर होना पड़ता है क्योंकि उसमें अटेंडेंस भी रिकॉर्ड हो जाता है। और उसके बाद इस तरफ में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे है रिसेप्शन डेस्क और यहाँ पे वेटिंग एरिया भी है और साथ साथ इस तरफ में टीचर्स केबिन भी है। यहाँ पे टीचर्स केबिन, पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। फिर अंदर और भी आते हैं तो यहाँ पे भी टीचर्स केबिन है दोनों। फिर अंदर में यहाँ पे क्लास भी है। That's all, इस तरफ का। यहाँ पे एक और क्लासरूम है, यहाँ पे क्लास चल रहा है तो यहाँ पे हम अंदर नहीं आ सकते, अभी अलाउड नहीं है। हम लोग फिर इधर आते हैं तो यहाँ पे हॉल रूम एरिया है, फिर यहाँ पे सेल्फ स्टडी एरिया है, इस एरिया में सेल्फ स्टडी एरिया। और फिर और अंदर जाते हैं तो इस तरफ में तो रूम है, रूम नंबर 1, यहाँ रूम नंबर 2 है, ऐसा रूम अरेंजमेंट है। ये और एक क्लासरूम है। ये और एक सेल्फ स्टडी एरिया है। अभी सुबह से तो आ रहा कि हम लोग पढ़ने का एक पोजिशन होता था तो पढ़ाई लिखाई हुआ है। अब 2:30 होने को आ रहा है और 2:30 से फिर से वापस पढ़ने बैठना। तो ये मेरा टेबल है, सुबह से अभी यहीं पे पढ़ रहे थे, फिर इसका वेक्टर सम सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला मेरा टेबल नहीं है एक्चुअली, ये बेसिकली किसी और का टेबल है, तो यहाँ पे खाली था तो हम यहाँ पे बैठ गए, इसलिए हम सेल्फ स्टडी करने के लिए। और आज ये सोमो है का भी क्लास नहीं है, अभी सेल्फ स्टडी के लिए आया है, इसका एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो ये एडवांस देगा, वो भी सेल्फ स्टडी के लिए आया है। सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बैठ के पढ़ाई साथ है थोड़ा पढ़ने का, पढ़ने का भाई साथ है, जो घर में पढ़ने का मन नहीं करेगा इधर आसपास का वाइब्स देख के ऐसे पढ़ने का मन करेगा। आओ पढ़ो। तो अभी मेरा पूरा दिन का पढ़ाई लिखाई चल रहा था और अभी 7 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है, 6:45 हो रहा है। बेसिकली हम आज फिजिक्स का वेक्टर्स कंप्लीट किए और बायो का भी एनिमल किंगडम पढ़े और बस यही सब पढ़ रहे थे पूरा दिन में। और जो डाउट्स आउट्स था सॉल्व वॉल्व किए उसके बाद वरव सर से, और
फिजिक्स का डाउट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है, गौरव सर बहुत हेल्प करते हैं हम लोग का। तो बस इतना ही बात था जो अपडेट आप लोग को देना था, हमने क्या पढ़ा एक दिन में, और यहाँ पे एफिशिएंसी सही में रहता है क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ते रहता है, तो वो लोग आपका अगर मन भी नहीं करता तो आप उन लोगों को देख के भी पढ़ सकते हो, लाइक यस आगे बंदा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ सकते हैं बैठ यहाँ पे, तो यही सोच के हम लोग पढ़ते भी है। और देखते हैं हम लोग 8 बजे तक शायद निकल जाएंगे, 8 बजे तक हम लोग का टाइम रहता है अभी, क्योंकि वो लास्ट एक महीने का वो एकदम डाई और मतलब डू और डाई सिचुएशन चलता है, उसमें 9 to 9 चलता है। कोलकाता 30 का जो कॉन्सेप्ट है वो इस साल शायद पहले से स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी तो सुबह का 10 बजे से लेके शाम में 8 बजे तक है टाइम हम लोग के लिए सेल्फ स्टडी के लिए। और अगर आप लोग इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को पसंद करते तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग एट, और आपका नीट और जेई का प्रिपरेशन के लिए आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। और मुरली सर यहाँ पे हम लोग का मेंटोर है और सीईओ है लर्निंग एंड का, और वो बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल है और बहुत फ्रेंडली भी है। और ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं और पूरा चीज़ हम आप लोग को दिखाएं, आप लोग कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं।